व्यू, व्यू के बारे में आप थोड़ा सा जानते हैं भाई। व्यूज हमारे लिए वो है जो एक तरह से इस तरह से मूवमेंट होता है, व्यू मूवमेंट ही बोलते हैं, समझ में आ रहा है? तो ये हमारे पास व्यू है, यानी पार्टिकल विच मूव इन वेव मोशंस कॉल्ड वेव, वेव ही है। या इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, वेव मूवमेंट। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, वेव मूवमेंट। और अगर ये पार्टिकल है तो पार्टिकल वेव, और अगर ये पार्टिकल नहीं है तो नॉन पार्टिकल वेव। तो दो तरह से वेव हो जाती है हमारे लिए, एक वेव हो जाती है, वेव का अगर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो पार्टिकल वेव, और एक नॉन पार्टिकल वेव जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पार्टिकल वेव में आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, जो समुद्र होता है सी है, सी वेव पार्टिकल वेव का एग्जाम्पल है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे जो आप वेव बोल सकते हो। ये तो सबसे पहले बोला था सी वेव, क्योंकि पार्टिकल का मूवमेंट है। लेकिन इसके अलावा जो एग्जाम्पल आए, अल्फा बीटा वेव, अल्फा का मतलब हीलियम न्यूक्लियस, बीटा का मतलब आपके लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। ये सारे हमारे लिए क्या है, पार्टिकल वेव। बोलो यस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सा होगा, इसमें आपके पास आ गया लाइट। सबसे पहले तो लाइट जितनी भी है, इसके अलावा आप बोल सकते हो अल्फा बीटा गामा, जिनमें पार्टिकल नहीं होता, मास ही नहीं होगा, फिर पार्टिकल नहीं है तो मास भी नहीं है। तो जितने भी हो गए, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, इसके अलावा आप बोल सकते हो रेडियो वेव्स, ये सब हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जाम्पल हो गए। खैर कोई भी एग्जाम्पल हो, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे सबसे पहला काम आता है उसके अंदर होता है एम्पलीट्यूड। तो हम एम्पलीट्यूड को कैसे देखते हैं, ये वेव है तो ये हमारे पास ये वाली जो डिस्टेंस है, हाइट ऑफ क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रो, हमारे लिए क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड। हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ थ्रो इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, इट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये जो ए डिस्टेंस आ रही है, यही हमारे लिए एम्पलीट्यूड है। जनरली ये बहुत छोटा होता है, हम इसको पिकोमीटर, नैनोमीटर या अंगस्ट्रम में मेजर करते हैं। अब और आगे, अब इतना तो समझ गए ना कि एम्पलीट्यूड क्या डिफरेंस है, पार्टिकल वेव्स क्या है, पार्टिकल में मास होता है, नॉन पार्टिकल में मास नहीं होता। हटा दूं मैं, चलिए ठीक है, ये हमारे पास रहा एम्पलीट्यूड। तो सेकंड डेफिनेशन क्या होती है, वेव लेंथ। वेव लेंथ, वेव लेंथ क्या है, एक तरह से देखा जाए तो आपको पहले यहां जाना है, यानी सेफ फेस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमारे लिए क्या होगी, वेव लेंथ। इसको हम लैम्डा से शो करते हैं। तो क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव सेम फेस पॉइंट इज कॉल्ड वेव लेंथ लैम्डा। और ये भी हमारे लिए अंगस्ट्रम मीट, वो क्या कहते हैं, अंगस्ट्रम पिकोमीटर, नैनोमीटर में ही मेजर की जाती है। तो क्या ये हमारे लिए, अगर हम बात करें,
तो आप मेरे को बताइए, ये दो पॉइंट ले रहा हूं मैं, पक्का? तो क्या ये लैम्डा होगा या नहीं होगा, हाँ या ना में बताएं आंसर, होगा या नहीं होगा, यस और नो? नो, बिल्कुल नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के बाद वेव ऊपर जा रही है, जबकि इसके बाद कहाँ आ रही है, नीचे। तो ये दोनों सेम फेस पॉइंट है ही नहीं। सेम फेस तब कहलाएगा जब दोनों के साथ सेम हो रहा हो। तो अगला पॉइंट, क्या इन दोनों के बीच में, ये अलग एग्जाम्पल बना सकते हो आप चाहो तो, बस छोटे छोटे से पॉइंट है, आपको आने चाहिए बस। क्या ये डिस्टेंस आपके लिए लैम्डा कहलाएगी या नहीं कहलाएगी, बोलो जल्दी से, हाँ या ना? हाँ, क्योंकि दोनों सेम फेस पॉइंट है। तो सेम फेस का मतलब आप समझे कि दोनों के साथ सेम जा रहा हो तो सेम फेस है। ये लैम्डा कहलाएगी, बिल्कुल कहलाएगी। क्या ये लैम्डा कहलाएगी वैल्यू, हाँ ये भी लैम्डा कहलाएगी क्योंकि दोनों सेम फेस है। वेवलेंथ आपको समझ में आ गया है, बिल्कुल इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को आप लैम्डा बोल सकते हो। तो एक और पॉइंट आ रहा है, थर्ड, फ्रीक्वेंसी। इसको आप किस में मेजर करोगे ज्यादातर, अंगस्ट्रम, यानी यूनिट ऑफ वेव क्या होगा, अलग से लिख लो, यूनिट ऑफ वेव अंगस्ट्रम हो सकता है या फिर नैनोमीटर हो सकता है या फिर पिकोमीटर, जनरली हम यही यूज करते हैं, कुछ जगह हम माइक्रोमीटर या मिलीमीटर भी देख लेते हैं। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीक्वेंसी। क्या ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी का मतलब है क्या, पहले समझते हैं। यहां देखिए, ये हमारे पास व्यू इस तरह से मूव कर रही है, कंटिन्यू। मान लीजिए यहां टाइम टी इक्वल टू 0 सेकेंड है, कितना है, 0 सेकेंड। आपने अपनी वॉच स्टार्ट करी और यहां बंद कर दी जब 1 सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड के लिए आपने चालू करी है घड़ी, तो कितनी वेव कंप्लीट हुई है। देखो कैसे पता लगाएंगे, ऐसे पता लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहां म्यू की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, 10, और इसको अपन म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह के साइन। तो ये म्यू की वैल्यू इस वेव के लिए कितनी है, 7। तो क्या डेफिनेशंस बनेगी, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट बाय वेव इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यूनिट क्या रहेगी इसकी, यूनिट रहेगी सेकेंड इनवर्स या हर्ज, बात एक ही है, दोनों में से कुछ भी यूज कर लो, सेकेंड इनवर्स या फिर हर्ज। मैं फिर बोल रहा हूं, यूनिट क्या रहेगी इसकी, सेकेंड इनवर्स या फिर हर्ज। एच जेड का मतलब हर्ट्ज है, जिसका मतलब सेकेंड इनवर्स होता है, क्योंकि नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड यानी पर सेकेंड ही आएगा, नंबर ऑफ साइकिल, नंबर की तो कोई यूनिट है नहीं, तो नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड यानी पर सेकेंड आ रहा है, 1 सेकेंड का मतलब पर सेकेंड, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। तो बहुत बड़ा कोई काम नहीं है, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हो गई आपके पास। एक और डेफिनेशन आपका इंतजार कर रही है और वो है वेव नंबर। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है जो आपको बहुत जरूरत है, वेव नंबर। वेव नंबर कैसे डिस्कस करेंगे आप, छोटा सा डेफिनेशन है। मान लीजिए यहां पर डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपके पास 1 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस आपके पास क्या है, 1 सेंटीमीटर है मान लीजिए, तो इसमें कितनी वेव्स आ रही हैं 1 सेंटीमीटर में,
1 2 3 4 5 6 7 8, यही आपके लिए वेव नंबर है। हाँ बेटा, 8 कंप्लीट कर देते हैं अपन, बस तो हमें 8 कंप्लीट करना था। सही कह रहे हैं आप। तो डेफिनेशंस क्या होगी? नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल इन 1 सेकेंड, 1 सेंटीमीटर, या यूनिट डिस्टेंस भी बात कर सकते हैं, इन 1 सेंटीमीटर इज कॉल्ड वेव नंबर, इज कॉल्ड वेव नंबर। तो इसकी यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स। सेंटीमीटर ले रखा है, सेंटीमीटर, अंगस्ट्रम इनवर्स जो भी आप ले सकते हो, अंगस्ट्रम इनवर्स या नैनोमीटर इनवर्स, इस तरह की वैल्यू जाएगी इसकी। नंबर ऑफ साइकिल इन पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। तो देखिए अंतर क्या है कि आप खुद ही जानते हैं ये 1 सेंटीमीटर है, इसके अंदर नंबर ऑफ साइकिल का डिवाइड कर देंगे तो वेवलेंथ आ जाएगी पक्का, क्योंकि ये आ जाएगी, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी 1 2 3 8। तो कहीं ना कहीं वेव नंबर और वेव एक दूसरे के क्या है? इनवर्स है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू बार से, 1/λ। प्रूव करो अपनी लैंग्वेज में कि ये एक दूसरे के बिल्कुल इनवर्स है विदाउट एनी कॉन्स्टेंट। कर सकते हो? करो, तब तक मैं ये हटाता हूं। लिखे है, बिल्कुल कर लिया प्रूफ, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी म्यू बार इक्वल टू 1/λ होता है। डेफिनेशन से ही कर दो आप, तो 1 सेंटीमीटर में इतनी, और देखा जाए तो, और वो जो 1 सेंटीमीटर में आप इस चीज का डिवाइड करोगे वेव नंबर का, तो आपकी क्या आ जाएगा? वेव लेंथ आ जाएगा पक्का। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो। चलिए एक और डेफिनेशन आपका इंतजार कर रही है, 5th नंबर की डेफिनेशन से, और वो हमारे लिए आ रहा है वेलोसिटी। क्या रहा है हमारे लिए? वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी आपको क्या बता रहा है? सिंपल है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव डालना पड़ेगा आपको हेडिंग, वेव इन 1 सेकेंड कॉल्ड वेलोसिटी, कॉल्ड वेलोसिटी। आप मुझे एक बहुत इजी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और मेरे को लगता है बिल्कुल सही भी बताएंगे, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? ध्यान से सुनना, लिखना बंद करके सुनो एक मिनट, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, अल्ट्रावायलेट की या विजिबल की? किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, अल्ट्रावायलेट की या विजिबल की? जल्दी बोलो, विजिबल की वेलोसिटी ज्यादा है। क्या करते हो? कौन बताएगा इसका सही आंसर? किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, अल्ट्रावायलेट या विजिबल? अल्ट्रावायलेट की। दोनों ही गलत हो, दोनों की बराबर होती है। तो यही हमारा की पॉइंट है, बिल्कुल वेलोसिटी सेम मीडियम में सेम होती है, किसके लिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, और दोनों ही मासलेस वेव है, मासलेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होती है। तो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वेव
इन सेम मीडियम हैव सेम वेलोसिटी, हैव सेम वेलोसिटी, यानी जब सन से अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड एक साथ निकलती है तो एक साथ ही अर्थ पर पहुंचती है। ये नहीं कि अल्ट्रा वायलेट पहले पहुंच जाएगी और अगले दिन विजिबल आ रही है, उसके अगले दिन इंफ्रारेड आ रही है, ऐसा नहीं होता। बस अंतर क्या होता है कि अल्ट्रा वायलेट की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, वाइब्रेशन एक सेकंड में ज़्यादा करती है, लेकिन ये वाली वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। तो वाइब्रेशन ज़्यादा होता है तो इसका मतलब उसमें एनर्जी ज़्यादा मूव कर रही होती है, मूव यानी उसके अंदर स्टोर रहती है, समझ में आ रहा है। तो अल्ट्रा वायलेट में फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है, वो सारी बातें अलग है, लेकिन वेलोसिटी उनका जो लीनियर मूवमेंट है वो क्या रहता है, सेम। लीनियर मूवमेंट सेम होता है। कुल मिला के लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन वन सेकेंड कॉल्ड वेलोसिटी। ये लीनियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, समझ में आ रही है बात। तो ये बात हमारे लिए हो गया। और दूसरा की पॉइंट हमारा एक और है कि एक तरह से देखा जाए, यहां एक और चीज लिखनी थी, वेलोसिटी बराबर होती है और वो कितनी होती है, सी, और सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये रिलेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सी यहां पर क्या है, वेलोसिटी, तो म्यू की वैल्यू क्या है, सी बाय लैम्डा, म्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, और म्यू हमारे लिए क्या है, फ्रीक्वेंसी, सी हमारे लिए क्या है, वेलोसिटी, लैम्डा हमारे लिए क्या है, वेवलेंथ। तो हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ लिए, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अब एक पॉइंट जो और निकल के आ रहा है हमारा, अब ये सब उतारें और उसके बाद ये क्वेश्चंस करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिलेशन, करेक्ट रिलेशंस, एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। बस ये पांच छह रिलेशन मैंने दिए हैं, बताओ ये इसमें से कौन सा सही है, क्या फर्स्ट वाला सही है, नहीं, क्या सेकंड वाला सही है, हाँ, लैम्डा इक्वल टू 1/μ बार, क्या थर्ड वाला सही है, म्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, हाँ पढ़ाइए, यूनिट से भी कर सकते हो, इसकी क्या है पर सेकंड, इसकी क्या है मीटर पर सेकंड, और इसका कितना है मीटर, मीटर से मीटर कटा पर सेकंड, यूनिट से कर लो। क्या ये सही है, म्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, लैम्डा 1/λ को म्यू बार कर लेते हैं, सही है, ये क्या होता है म्यू बार 1/λ, तो ये तो कहीं से कहीं सही नहीं है कि लैम्डा इक्वल टू सी बाय लैम्डा, ऐसा कहीं होता है क्या, नहीं है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप चाहें तो इस पे बहस कर सकते हैं मेरे बात, पहले उतार लीजिए लेकिन इसको, स्टार्ट कर रहे हैं अपन अगला टॉपिक। और हमने यहां तक ब्रेक किया था लास्ट में, हम जहां पर थे कि वेव का नेचर्स क्या है, अब हम बात कर रहे हैं प्लैंक्स कॉन्सेप्ट्स पे, क्योंकि वेव पूरा नेचर किसने दिया था, मैक्सवेल ने, उसी को एक बार और ज्यादा आगे देखकर हम फिर
प्लैंक कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे, ठीक है। तो पहले तो ये बताइए, वेव मोशंस के बारे में जब आने लगा तो सबसे पहले दिमाग में क्या आया कि यार ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती कैसी होंगी? तो हमें पार्टिकल वेव तो समझ में आ रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है, इस तरह से जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में क्या है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। इसके बारे में आपको कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स पढ़ने हैं बस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर रहेगा। आप इस तरह से देखिए, तो जो बातें सामने निकल के आ रही है उनमें कुछ खास पॉइंट्स। फर्स्ट एक तो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई से शो कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड आप चाहो तो एम से शो कर सकते हो, मैग्नेटिक नेचर ये फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेव एंड मैग्नेटिक फील्ड वेव आर मूविंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस टू ईच अदर, टू ईच अदर। सेकेंड पॉइंट, ऑल द वेव्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ सेम वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड एंड व्हाट एंड वेलोसिटी। यानी लैम्डा और वेलोसिटी सेम है तो क्या फ्रिक्वेंसी भी सेम हो जाएगी, एंड म्यू। यानी दोनों के लिए लैम्डा सेम है, जहां से स्टार्ट आ रहे हैं वहीं से होंगे, दोनों के सेम फेस पॉइंट होंगे एक और दो। ये इनकी खास बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, या सुनो। और ये फील्ड है न कि ये पार्टिकल है, रिमेंबर दैट। थर्ड पॉइंट वापस मैं बोलता हूं, रिमेंबर दैट बोथ वेव आर फील्ड नॉट पार्टिकल, नॉट पार्टिकल। ये हमारे पास है, यानी एक फील्ड है जो इस तरह से जा रहा है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो ये फील्ड है और इनकी वेलोसिटी जो होती है वो लाइट ही है, यानी सी है। एंड देयर वेलोसिटी रिप्रेजेंट बाय सी, और सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में कुछ पॉइंट्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग अलग फ्रिक्वेंसी की तो हो सकती है ना, तो उनका क्लासिफिकेशन हमने अलग तरह से किया है। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्लासिफिकेशन जो करते हैं तो उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम, यस। तो हमारे को अगला टॉपिक यही रहेगा कि हम इसको क्या करेंगे, स्पेक्ट्रम। तो लिखते जाएं ये छोटे छोटे पॉइंट्स। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगा आपका स्पेक्ट्रम, मुझे स्पेक्ट्रम के लिए पूरी जगह चाहिए। तो अब हमारा हेडिंग रहेगा स्पेक्ट्रम। देखिए आप मान के चलिए ये स्पेक्ट्रम में आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सब। मान लीजिए मैंने यहां पर ले लिया बीच में, क्या ले लिया, विजिबल। विजिबल से ज्यादा एनर्जी वाली वेव्स कौन सी होती है, जल्दी से बताएं, जस्ट उससे ज्यादा, अल्ट्रावायलेट, यूवी, उससे ज्यादा, अल्ट्रावायलेट से ज्यादा एक्सरेज, एक्सरेज उससे भी ज्यादा, और एक्सरेज से ज्यादा गामा रेज,
और गामा रेज से ज्यादा कौन सी होगी? कॉस्मिक। ये एनर्जी वाली बात है, यानी इस तरफ जाएंगे तो एनर्जी आपके पास क्या होगी? बढ़ेगी। एनर्जी इंक्रीजेस, और इस तरफ जाएंगे आप तो एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। तो अब आप मेरे को थोड़ा सा आइडिया दें कि विजिबल से कम एनर्जी वाली कौन सी है? इंफ्रारेड। और इंफ्रारेड से कम वाला माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स या फिर हम रेडियो वेव से ले लेते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ रहा है। अब आगे इस तरफ जाएंगे तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, और इस तरफ जाएंगे तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी? कम होगी, और एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। विजिबल को फर्दर क्लासिफिकेशन किया है, कितने कलर्स में हम कर देते हैं? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक और कॉलम ले लेते हैं 7। विबग्योर, VIBGYOR। वी का मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह से है। तो यहां पर भी इस तरफ जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, और लैम्डा कम होगा, और इस तरफ जाएंगे तो एनर्जी कम होगी, फ्रिक्वेंसी कम होगी, लैम्डा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो दोस्तों यहां एनर्जी और लैम्डा एक दूसरे के इनवर्स चलते हैं। एक आइडिया से मैं बता रहा हूं, हमने क्या करा, बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, हजारों करोड़ों वेव्स हमारे साथ हैं, उनमें से हमने विजिबल लिया। विजिबल को भी हमने 7 मेन कलर में करा, और हर एक मेन कलर अपने आप में फिर लाखों करोड़ों में डिवाइडेड है। कैसे? क्योंकि वायलेट भी है तो उसमें डार्क थोड़ा कम मिक्स, और लास्ट में आते आते दोनों का मिक्स कलर इस तरह से बनता है। यानी ब्लू में भी हजारों शेड होते हैं, आप जानते हो, रेड में भी लाखों शेड होते हैं। आप किसी भी लेडी से पूछ सकते हैं, लिपस्टिक के हजारों कलर वो बता सकती है, अपन नहीं बता सकते, उनमें भगवान ने एक स्पेशल पावर दी हुई है। तो यहां हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? वायलेट की, ठीक है, और इसकी लैम्डा आ जाती है, लमसम आपके पास आ जाती है, ये आता है 3500 एंगस्ट्रम, और बेटा 10 एंगस्ट्रम का 1 नैनोमीटर होता है, तो 350 नैनोमीटर भी आप बोल सकते हो एनएम, और ये आ जाता है लगभग 7500 एंगस्ट्रम, 7.5, कुछ बुक्स 8 भी दे देती है, कोई ऐसी लड़ने वाली बात नहीं है, और 750 नैनोमीटर, ये हमारे पास दिमाग में आना चाहिए। और खास बात जो आपने समझ ली है कि एक सॉरी 10 अंगस्ट्रम का क्या होगा? 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर बड़ी यूनिट है, अंगस्ट्रम छोटी यूनिट है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई। तो रेड में भी करोड़ों कलर है, तो यहां समझ सकते हैं कि ये सपोज 3500 अंगस्ट्रम का ये यहां पर आएगा, तो 3555 भी यही आएगा, 3554 भी यही आएगा, 3564 भी यही आएगा, तो ये भी बहुत बड़ी रेंज है। समझ में आ रहा है? हमारी रेटिना को सबसे अच्छा कलर ये वाला लगता है, हमारी रेटिना, रेटिना मतलब आंख वाली रेटिना, वो वाली नहीं, कैटरीना, रेटिना बोला है मैंने, वो ग्रीन कलर पसंद है अपन को, ठीक है ना, कोई डाउट? तो हमारी रेट को ग्रीन कलर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए हमें ग्रीनरी पसंद आती है, शाइन। तो ये मैंने आपको बताया इन सब वेव्स में क्या है। अच्छा अभी मेरे को बताइए, बीटा और गामा कहाँ आएगा इस स्पेक्ट्रम में, जल्दी से बताएं, बीटा गामा इस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा? आएगा ही नहीं, बिल्कुल सही, क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल वेव है, और हम बात कर रहे हैं स्पेक्ट्रम्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम, हमने पार्टिकल का बनाया नहीं है, ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे लिए ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो गया। अब बात आती है, क्या हम स्पेक्ट्रम के भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? हाँ, पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि स्पेक्ट्रम की क्या डेफिनेशन है, स्पेक्ट्रम की क्या डेफिनेशन है,
आप बताइए, मैंने इसको बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही बोल रहा हूँ, मैं इसको क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, स्पेक्ट्रम क्लासिफिकेशन। यानी कि हम एक तरह से देखा जाए तो जो वेव का कॉम्बिनेशन हमारे लिए आ रहा है पूरा, कि ये स्पेक्ट्रम है, समझना। मैं और अच्छे से एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं आपको देख पा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो आप कपड़ों का कलर अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है, एक इमेज मेरे दिमाग में बन रही है अलग अलग वेव्स की, वो सारी वेव्स का कॉम्बिनेशन जिससे हम आपकी पिक्चर मेरे दिमाग में बनी है आप सबकी एक साथ, वो स्पेक्ट्रम है। समझ में आ रहा है? स्पेक्ट्रम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल वेव्स। समझ में आ रहा है? तो क्या सारी एक ही वेव आ रही होगी मेरे पास? नहीं, कोई येलो है, कोई ग्रीन है, कोई ब्लैक है, कोई कोई ऐसा है, तो अलग अलग वेव दिख रही होगी। येलो की अलग होगी, ग्रीन की अलग होगी, ब्लू की अलग होगी, होगी या नहीं होगी? तो वो सारी इमेज जो बनती है मेरी आंखों पे, वो क्या है? स्पेक्ट्रम है। उस स्पेक्ट्रम को मैं फोटोग्राफिक प्लेट पे भी ला सकता हूँ, तो वो फोटोग्राफिक प्लेट पे मैं बोल सकूंगा देखो सब ये स्पेक्ट्रम दिख रहा है मुझे, जो उस समय दिख रहा है, तो वो फोटो ही है, फोटो ही अपने आप में स्पेक्ट्रम का काम कर रहा है। कोई दिक्कत समझने में? तो स्पेक्ट्रम इज द कॉम्बिनेशन या इमेज ऑफ ए डिफरेंट वेव्स। तो आप लिख सकते हैं स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन मेरे वर्ड्स में, स्पेक्ट्रम इज द कॉम्बिनेशन और इमेज ऑफ डिफरेंट वेव, डिफरेंट एनर्जी वेव्स। ये स्पेक्ट्रम है। अब अगला पॉइंट क्या आएगा मेरे पास, कि क्या मैं इस स्पेक्ट्रम का क्लासिफिकेशन कर सकता हूं? हाँ, देखना चाहूंगा मैं स्पेक्ट्रम का क्लासिफिकेशन कैसे करता हूं। पहले ये उतार लीजिए, तो पहले स्पेक्ट्रम एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रम, ये छोटे छोटे से टॉपिक है। स्पेक्ट्रम द इमेज ऑफ डिफरेंट वेव्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेव्स इज स्पेक्ट्रम। मैं पहले भी लिख चुका हूं, द कॉम्बिनेशन ऑफ और इमेज ऑफ डिफरेंट एनर्जी वेव्स कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो अगर हम बात करें स्पेक्ट्रम की क्लासिफिकेशन की, तो मैं अलग अलग तरह के अलग अलग स्पेक्ट्रम की बात कर सकता हूं। जैसे मैं बात करता हूं स्पेक्ट्रम को, एक अलग तरह से क्लासिफिकेशन है, और वो है, आप सही बोल रहे हैं, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस। आप देखिएगा, ये मैंने एक इमेज देखी वेव्स की, समझ रहे हैं? मुझे यहां पर सपोज 3,500 अंगस्ट्रम से लेके 7,500 अंगस्ट्रम जो विजिबल है, सारी वेव्स दिखाई दे रही हैं। कोई मिस नहीं है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो बताइए इसके अंदर 4,550 वाली वेव मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी, बोलो मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी, सारी मिलेगी। 4,550.1 मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी, करोड़ों वेव्स हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में आपके पास कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको सब मिल रही थी, ठीक है, लेकिन कुछ एक वेव से नहीं मिल पा रही आपको। मान लीजिए यहां पर आपके पास ब्लैक रह गया, यहां आपको एक पॉइंट मिल गया जहां पर कोई वेव नहीं मिल रही है, काला काला आपके पास आ गया, तो इसका मतलब कोई वेव, सम वेव्स आर मिसिंग्स। तो 3,500 से 7,500 के बीच में मैक्सिमम वेव्स हैं, मैक्सिमम वेव्स हैं, लेकिन कुछ मिसिंग है। तो ये ब्लैक पट्टी जो आपके पास आ रही है, पक्का?
इसको आप क्या बोलेंगे? मिसिंग वेव्स, सम वेव्स आर मिसिंग्स, सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्या बनेगी? ऑल वेव्स आर प्रेजेंट, और इसमें क्या होगा? सम वेव्स आर मिसिंग्स। सम वेव, वेव का मतलब सम लैम्डा वेव्स आर मिसिंग्स, कुछ एनर्जी वेव्स आपको मिसिंग्स है। एक और स्पेक्ट्रम का क्लासिफिकेशन हो सकता है दूसरा तरीके से, करते जाएंगे हम स्पेक्ट्रम का क्लासिफिकेशन। और वो होता है क्लासिफिकेशंस लीनियर एंड बैंड, बैंड स्पेक्ट्रम। लीनियर स्पेक्ट्रम लीनियर एंड बैंड स्पेक्ट्रम, अंतर देखिएगा दोनों में। लीनियर में भी कुछ वेव्स मिस है और बैंड में भी कुछ वेव्स मिस है, बस अंतर क्या है, बस ध्यान से सुनना। इसमें ऐसे मिक्स मिक्स मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वेव मिस है, मान लीजिए छोटी सी वेव मिस है, एक दो और तीन वेव्स मिस है, इस जगह क्या दिखाई देगा आपको? डार्क डार्क स्पॉट दिखाई देगा, मतलब बिल्कुल ब्लैक लाइन दिखाई देगी। बाकी की वेव्स आपके पास पॉसिबल है, तो ये बाकी की वेव्स आपने बना ली, ठीक है, आपके पास सिर्फ एक एक लाइन मिस है, एक साथ बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये आपके पास कौन सा हो गया? लीनियर। लेकिन अगर आपको ये लाइनें एक साथ कॉम्बाइन में मिली तो आप क्या कहलाएगा? बैंड। यानी आपको इस तरह का एक बहुत बड़ा आपको बैंड मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे बैंड स्पेक्ट्रम। तो मान लीजिए इस 3500 से लेके 4500 के बीच में है कोई, हमने बनाया, या 7500 के बीच में बनाया, और कोई एक लाइन में से एक या दो लाइन, जैसे मैंने मान लिया 4550 लाइन में से अंगस्ट्रम लाइन मिस, और या फिर मैंने बोल दिया 5454 अंगस्ट्रम लाइन मिस, तो कुछ लाइनें मिस हो रही हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? लीनियर स्पेक्ट्रम। लेकिन अगर मैंने ये बोल दिया इस जगह ये हमारे लिए 3500 से लेके 7500 के बीच में, मैंने बोल दिया 4000 से 4500 अंगस्ट्रम रेंज में लाइंस, अब लाइन नहीं बोलूंगा, लाइंस आर मिसिंग, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? बैंड स्पेक्ट्रम। अंतर आपको बहुत इजीली देखना है कि क्या आपकी एक बैंड में वे जा रही है या फिर कुछ लाइंस में से, तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड बैंड स्पेक्ट्रम। कोई दिक्कत? तो दो तरह के क्लासिफिकेशन करे, कंटिन्यू डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को फर्दर क्लासिफाइड किया आपने लीनियर एंड बैंड, तो ये क्लासिफिकेशन स्पेक्ट्रम का भी मान लीजिए या डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का, लीनियर हो या बैंड दोनों ही डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है क्योंकि कुछ लाइनें मिस है। तो बोलो यहां तक समझ में आया या नहीं आया? अगला पार्टिकल आर्टिकल रहेगा हमारा इसी के अंदर, अब्सॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम, बात को समझते हैं। तो एक और क्लासिफिकेशन है हमारा स्पेक्ट्रम का, और वो है एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। ये भी डिसकंटिन्यू स्पेक्ट्रम का ही क्लासिफिकेशन है।
एब्जॉर्प्शंस, एब्जॉर्प्शंस एंड एमिशंस स्पेक्ट्रम। यानी किस तरह से हम इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ये देखना पड़ेगा एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम कैसे हैं। देखिए, आप मान लीजिए सबसे पहले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को कैसे पढ़ रहे हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये आपके पास क्या है, सनलाइट है, ये आपके पास सनलाइट आ रही है, पूरा पैकेज लेके आ रही है। सन स्पेक्ट्रम जो सनलाइट का डायरेक्ट स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है, लीन, वो आता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, उसमें सारी वेव्स होती है सन के अंदर, पूरी वेव्स, ब्लू, ग्रीन, रेड, सारा, ठीक है। उसको एक ऐसे कंटेनर में से पास किया जा रहा है जिसमें कोई सब्सटेंस है, ये क्या करेगा, सनलाइट में से कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ये सब्सटेंस गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या कोई सॉलिड क्रिस्टल भी हो सकता है। अब करप्शन हो चुका है, करप्शन का मतलब समझते हैं, कुछ खा चुके हैं, ये मंत्री है बिल्कुल हमारा, उधर से 100 करोड़ आए थे, 10 के नोट, 1000 के नोट, 500 के नोट, अब तो 1000 के नहीं चलते, 2000 के नोट, बीच में से कुछ गायब हो गए, तो अब गायब हो गए पता तो चलेगा ही नहीं। हमने क्या करा, प्रिज्म लगा दिया, प्रिज्म में जब हमने देखा, प्रिज्म क्या करेगा, स्पेक्ट्रम बनाने में बहुत मदद करता है, अलग अलग वेव्स को अलग अलग डायरेक्शन में भेज देता है, ठीक है। तो हमारे को क्या दिख रहा था कि कुछ लाइंस हमारे को क्या दिख रही थी, मिस मिस, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें एक स्पेक्ट्रम मिल रहा है, भले वो लीनियर हो या फिर वो बैंड हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को हम किस में डाले, हम एब्जॉर्प्शन में या एमिशन में, आपके हिसाब से। ये सनलाइट थी, सनलाइट में इसने कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, सम एनर्जी वेव्स आर एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब बाय सब्सटेंस, तो ये स्पेक्ट्रम क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन या एमिशन, एब्जॉर्प्शन। ये फर्दर क्लासिफाइड हो सकता था लीनियर और बैंड में, लेकिन कहलाएगा तो एब्जॉर्प्शन, इस सब्सटेंस से एब्जॉर्ब करा। तो देखिए होता क्या है कि हर एक एलिमेंट, हर एक सब्सटेंस अपने आप में एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है। वाटर अलग एब्जॉर्ब करता है, H2 अलग करता है, H2 अलग करता है, CO2 अलग करता है, यस करता है या नहीं करता, आयरन अलग करेगा, गोल्ड अलग करेगा। इस स्पेक्ट्रम से हम आइडिया लगा सकते हैं ये कौन सा एलिमेंट है, क्यों, एलिमेंट, हर एक एलिमेंट और सब्सटेंस और कंपाउंड के लिए हमने स्पेक्ट्रम निकाल लिया और वो डाटा हमने हमारे सुपर कंप्यूटर में डाल दिया। फिर अननोन जगह गए हम, कहाँ गए, चंद्रयान 2, चंद्रयान 2 में अपन पहुंच गए, चंद्रमा पे पहुंच गए। अब अपन ने वो स्पेक्ट्रम देखा वहां के सब्सटेंस का, पक्का उस स्पेक्ट्रम को देखा कि वो किस कंपाउंड से हमारे मेजर कर रहा है तो, और कितनी क्वांटिटी में आ रहा है, तो हम उसका परसेंटेज भी बता देंगे और वहां पर कौन सा सब्सटेंस है और किस अमाउंट में, दोनों बता देंगे। मतलब तो इंडिया ही वो देश है जिसने सबसे पहले चंद्रयान 1 से बिना लैंडिंग किए वहां से जो सब्सटेंस का स्पेक्ट्रम लिया और ये बताया कि नहीं, चंद्रमा पे पानी है, सबसे पहले, यानी चंद्रमा पे पानी की खोज हमने की, इंडिया ने। और अभी बहुत सारी चीजें पता लगने वाली है, बस सितंबर आ जाए एक बार, आपको पता चल जाएगा जब हमारा अगला मिशन रहेगा कौन कौन से एलिमेंट किस क्वांटिटी में, क्योंकि उतरेगा तो फिर और ज्यादा अच्छा सा रिसर्च कर पाएगा वो, ठीक है ना। पर ये बात तो तय है कि वहां स्पेक्ट्रम के अलावा कोई और चांसेस नहीं है। आप वहां से सब्सटेंस लाके अर्थ पे जाके लैब में आके टेस्ट पे करोगे तो आपको वो चांस तो अभी मिल नहीं रहा। तो आप स्पेक्ट्रम एक ऐसी चीज है जो दूर बैठे भी आप काम कर सकते हो। आप इमेज बनाओगे, यहाँ आके चेक करो अपने सुपर कंप्यूटर से, डाटा से कलेक्ट करो कि यार कौन सा एलिमेंट कितना है।
बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स। अगला पॉइंट जो मेरा बन रहा है बहुत ज्यादा टफ नहीं है। पहले तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अब एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होगा? एमिशन स्पेक्ट्रम ये रहेगा, अब आप सनलाइट को मत यूज करो, डायरेक्ट सब्सटेंस को यूज करो, कोई भी सब्सटेंस को ले लो, उसको डिस्चार्ज ट्यूब में रख दो। डिस्चार्ज ट्यूब में इसलिए रखने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि हाई वोल्टेज लगा सकते हो आप, ये हाई वोल्टेज लगा दिया आपने, या हीटिंग कर दो आप, प्लस माइनस हाई वोल्टेज से भी एक्सेलेरेट कर सकते हो। अब ये अपने आप क्या करेगा, इतना ज्यादा वोल्टेज हाई कर दो या इतना गर्म कर दो कैसे भी, या तो आप इलेक्ट्रिसिटी से कर दो, ये खुद भी रेडिएशन निकालेगा। उस रेडिएशन को आपने क्या करा, प्रिज्म से निकाला, और प्रिज्म फिर स्पेक्ट्रम बनाएगा। बस अंतर ये रहेगा, अंतर ये रहेगा कि जो लाइनें पहले एब्जॉर्ब करी थी अब वो दिखाई देगी, और बाकी जगह क्या रहेगा, अंधेरा। तो जो लाइनें इसने एब्जॉर्ब करी थी उस जगह आपको अब रोशनी दिखाई देगी, कितनी करी थी, दो, तो ये दो लाइनें अब आपको शाइन करती हुई दिखाई देगी, बाकी अंतर दिखाई देगा। ये ऐसा दिखाई देगा जैसे व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक मार्कर से लिखता हूं, और ये स्पेक्ट्रम ऐसा दिखाई देगा जैसे ब्लैक बोर्ड पर व्हाइट चौक से मैं लिख रहा हूं। समझ में आ रहा है? बस तो नंबर ऑफ लाइंस किसमें ज्यादा दिख रही है, या दोनों में बराबर दिखेगी? नंबर ऑफ लाइंस बराबर दिखेगी, बस अंतर दिखने का फर्क पड़ जाएगा, ब्लैक पे व्हाइट या व्हाइट पे ब्लैक, बैकग्राउंड क्या रहेगा। तो यहां एमिशन स्पेक्ट्रम है या एब्जॉर्प्शन है, एमिशन, एमिशन में व्हाइट बैकग्राउंड पे, सॉरी ब्लैक बैकग्राउंड पे व्हाइट लाइंस दिखाई देगी आपको शाइन करती हुई। ये सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे आपको। है तो खास बात यही है, एमिशन हो या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो, सेम सब्सटेंस के लिए नंबर ऑफ लाइन सेम रहेगी। फॉर सेम सब्सटेंस नंबर ऑफ लाइन्स इन एब्जॉर्ब और एमिशन स्पेक्ट्रम्स, स्पेक्ट्रम आर सेम। ये है आपका एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या आपको समझ में आया? सिंपल सा है, अगर कोई नेता है, मैं ही नेता हूं सपोज, और मैंने 2000 का नोट छुपा के रख लिया जेब में से, मैं डाल दिया, बाकी चलने दिए, तो जब मैं मार्केट में जाऊंगा तो वो 2000 रुपये का नोट निकालूंगा सब खर्च करने के लिए। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, जो खाएगा वही निकालेगा, ठीक है, लिखें इसको प्री के। ये प्लांक थ्योरी क्या बताता है? सबसे पहले प्लांक थ्योरी समझने की कोशिश करते हैं, प्लांक थ्योरी है क्या और किस तरह से बताता है, ठीक है। तो सबसे पहले इट इज एप्लीकेबल देखिए, इट इज एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। सेकंड पॉइंट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज प्रोपोर्शनल म्यू, और एनर्जी अगर प्रोपोर्शनल है तो कोई कांस्टेंट तो आएगा ही, क्योंकि प्लांक ने कहा है तो ऑब्वियसली प्लांक कांस्टेंट लगाएंगे। तो ये हमारे पास एनर्जी इक्वल टू एच म्यू, और म्यू की वैल्यू क्या होती है, सी बाय लैम्डा, वो भी लिख दिया। तो ये दोनों रूल किसके लिए है, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पक्का। तो यहां पर दो बातें फिर आ रही है, फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को फोटोन भी बोलते हैं, क्वांटा भी बोलते हैं, वेव तो बोलते ही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोलते हैं, फोटोन, क्वांटा,
अलग अलग नाम से है। थर्ड पॉइंट एच की, सेकंड पॉइंट एच की वैल्यू क्या होती है, 6.62 इंटू 10⁻¹⁴ जूल। ये जूल में आ गया, जूल पर सेकंड या सेकंड, सेकंड जूल सेकंड, क्योंकि ये होता है मीटर पर सेकंड, मीटर मीटर से मीटर, तो क्या रह जाएगा 1/सेकंड, सेकंड उधर जाएगा। तो यूनिट से आपने बहुत आसानी से बता दिया, जूल सेकंड आपके पास रहेगी 6.62 इंटू 10⁻¹⁴ जूल सेकंड एच की वैल्यू, कोई डाउट नहीं है। अब आगे यानी कुछ रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं, फिर रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट, अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी और लैम्डा क्या हो जाएगा, कम होगा। तो हाई एनर्जी वाली वेव्स लैम्डा की वैल्यू क्या रखते हैं, कम। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं दूसरा रिजल्ट हमारे लिए आ रहा है, E1 अपॉन E2 की वैल्यू क्या होगी, μ1 अपॉन μ2। और तीसरा रिजल्ट क्या रहेगा, E1 अपॉन E2 की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास लैम्डा के रेस्पेक्ट में, λ2 अपॉन λ1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के साथ। लैम्डा यहां क्या है, वेवलेंथ, और म्यू क्या है यहां पर, फ्रीक्वेंसी। तो ये दो रिजल्ट्स हमारे पास थे। और ध्यान रखना, अगर वेव पार्टिकल हो गई तो ये कोई थ्योरी नहीं लगेगी, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए लग रही है। कुछ समझ में आ रही है बातें, एक के बाद एक अच्छे पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं साथ। तो ये हमारे पास क्वांटा की एनर्जी बताने के लिए सबसे अच्छा पॉइंट था। अब नेक्स्ट हमें ये दिखा, क्या लिखा, ये हमारे पास आ रहा था फोर्थ रिजल्ट। हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या थी, एच सी बाय ई थी या नहीं थी, एच सी बाय ई। एच की वैल्यू क्या है आपके पास, 6.62 इंटू 10⁻¹⁴ जूल सेकेंड। सी की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना। ई E की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है सपोज, तो जूल में कन्वर्ट कर सकते हो इसको। कैसे चेंज करोगे जूल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में, 1.6 इंटू 10⁻¹⁹। जैसे ही करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसमें चेंज हो जाएगा, कूलाम वोल्ट, और कूलाम वोल्ट में क्या हो जाएगा, कूलाम वोल्ट को क्या बोलते हैं, जूल। तो जब आप ये चीजें चेंज करोगे और ये सब पॉइंट्स आपके पास आ गए, तो पता है क्या हो जाएगा, ये पूरा कैलकुलेशंस आपके पास आ जाएगा मीटर में, और ये वैल्यू आएगी आपके पास, बहुत ज्यादा हम दिमाग नहीं लगा रहे, लेकिन ये आएगा कितना आएगा बता सकते हो, (1:1:2)¹¹⁴₀₀। इसको मीटर को भी अंगस्ट्रम में चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए आप क्या करोगे, 10⁻¹⁰ अंगस्ट्रम में चेंज हो जाएगा ये मीटर। तो ये सब चेंजेज हो गया आपका। तो ये सारी चीजें चेंज होने के बाद आपके पास ये अंगस्ट्रम में आएगा, ई आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना पड़ेगा लैम्डा के लिए। तो आसान भाषा में मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप जरूरी नहीं है एमकेएस में करो, आप 12400 में ई को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना है, बस डिवाइड कर दो, आपको लैम्डा डायरेक्ट अंगस्ट्रम में मिलेगा 12400, और सीधा आप क्या कर दो, अंगस्ट्रम में आंसर आएगा। लेकिन ध्यान रखना इस जगह ई को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना है। तो इसको और अच्छे से कैसे समझते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, दो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट, फाइंड लैम्डा फॉर ए वेव, फॉर ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होना जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होना जरूरी है, हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी।
एनर्जी दी हुई है आपको, तो आप लैम्डा कैसे निकालोगे? सॉल्यूशन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लैम्डा इक्वल टू 12,400 तो कितना होगा 6200, और आंसर किसमें आएगा? एंगस्ट्रॉम में। कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल है, फाइंड एनर्जी ई फॉर ए ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव 1240 एंगस्ट्रॉम वेव लेंथ। तो यहां ई पूछ रहा है, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12400 अपॉन लैम्डा ई यहां आ जाएगा। ये किस में रखना पड़ेगा आपको, जल्दी से बताएं, अंगस्ट्रम में, और अंगस्ट्रम में दिया है तो 12400 डिवाइडेड बाय 1240 कितना आएगा? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। तो दोनों ही तरह के क्वेश्चन में आपका परफेक्शन होना चाहिए कि एनर्जी दियो तो लैम्डा निकाल लो, लैम्डा दिया हो तो एनर्जी निकाल लो डायरेक्ट। और अगर कुछ फ्रिक्वेंसी वगैरह है तो फिर आप चाहो तो पूरा क्वेश्चन एमकेएस में ले जाओ, सब चीजें एमकेएस में ले जाओ। एमकेएस में ले जाओगे तो एच की वैल्यू आपको मालूम है एमकेएस में क्या है, कहीं ना कहीं लिखा है मैंने एच की वैल्यू कितनी थी, 6.62 × 10⁻¹⁴। या तो पूरा क्वेश्चन एमकेएस में करोगे या फिर पूरा चैप्टर यूनिट्स में करोगे, आधा एमकेएस और आधा चैप्टर यूनिट्स में नहीं होता। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट और अंगस्ट्रम, नैनोमीटर, ये सब हमारी क्या है, चैप्टर यूनिट है। एक और चीज कर सकते हो आप चाहो तो, यहां पर लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, 12400 की जगह 12040 ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैंने छोटी वैल्यू लिखी है तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, नैनोमीटर, नैनोमीटर में वैल्यू भी कम रहेगी। किसमें आएगा ये? नैनोमीटर में आंसर। कर सकते हैं, लिख लें, सब चीजें लिख लीजिए। अबे इफ 100 वाट उस पर लिखा हुआ है बल्ब ग्रेट जनरेट 5000 एंगस्ट्रम मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो 5000 यानी कि विजिबल लाइट जनरेट कर रहा है, एंड एज्यूम दैट 60% ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इन लाइट, यानी 60% कन्वर्ट हो रही है, अच्छी कंपनी का है, नहीं तो 30 भी हो सकती थी, बाकी 40% एनर्जी क्या करेगा, बल्ब को गर्म कर देगा, हीट दे देगा, हाथ लगा के देखना बहुत गर्म हो जाता है बल्ब, तो इसका मतलब मैक्सिमम एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, अभी भी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, हीट में लाइट। देन कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन लिबरेट बाय बल्ब इन 1 सेकेंड, तो पहले बल्ब का डायग्राम बनाते हैं अपन, ये हमारा बल्ब, ये हमारा बल्ब का फिलामेंट, ये बल्ब से निकलने वाली लाइट, बचपन में ऐसे ही ड्राइंग करते थे हम, और ये जो अर्पित है ना, ये तो लाइट बताता ही नहीं था, लाइट गई कर कि लाइट गई, ये सर बल्ब कैसे चालू है तो वही वाली बातें होती है कि ये बल्ब जल गया, और जला हुआ बल्ब है, कितनी पर सेकंड कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इस पे लिखा हुआ है 100 वाट, 100 वाट, तो पर सेकंड कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी कंज्यूम बाय बल्ब कितनी है, 100 जूल। मैंने वाट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पर सेकंड कर दिया, एनर्जी पर सेकंड ही वाट है, तो अगर सेकंड टाइम 1 सेकंड ही ले लिया तो इतनी वाट एनर्जी, इतनी जूल एनर्जी निकलेगी। अब हमारे लिए टाइम क्या हो गया, पूरा 1 सेकंड के लिए हो गया। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? तो ये कितनी एनर्जी लिबरेट करेगा, इस पॉइंट्स को भी हम देख लेते हैं साथ के साथ। सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट है, मान लीजिए इफ एन नंबर ऑफ फोटॉन्स, एन नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट लिबरेट देन इक्वेशन इज, इक्वेशन विल बी क्या होगा, एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, एन फोटोन की तो एन हो जाएगी, लेकिन एक फोटोन की कितनी है, एस सी बाय लैम्डा, यही करते हो आप, तो एक फोटोन की एनर्जी इतनी है तो एन फोटोन की इतनी होगी, और
इतनी एनर्जी होगी, ये एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट लिबरेट, देन इक्वेशन विल बी नंबर ऑफ एन, नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट लिबरेट पर सेकेंड, पर सेकेंड, देन इक्वेशन विल बी ये हो गया। और एनर्जी कितनी दे रखी है आपको, 100 जूल पर सेकेंड में, तो 100 जूल, और एक तरह से देखा जाए तो जूल है, लेकिन इसकी 60% ही काम की है, तो ये भी करना पड़ेगा 60/100, और 60 नहीं दिया होता तो हम 100 ही मान लेते हैं। अब बताइए एन की वैल्यू क्या होगी, ये कट गया, 60 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा अपॉन एच सी। अब आपको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा, एन की वैल्यू होगी 60, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 5000 एंगस्ट्रम, मीटर में चेंज कर दो, -10 करना जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एमकेएस में करो। एच की वैल्यू 6.62 × 10⁻¹⁴, और सी की वैल्यू 3 × 10⁸। तब आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, कितने आएंगे देख लीजिएगा, इतने फोटॉन्स पर सेकेंड आएंगे, इसकी यूनिट ये रहेगी, फोटॉन्स पर सेकेंड। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, यूनिट्स का ध्यान रखो और प्लैंक थ्योरी को ध्यान में रखो, आप आराम से ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो।